जंगलों में कुछ इस प्रकार के सांप रहते हैं भाई, कितना मोटा है। भटकते पहुंच चुके भाई अपनी डेस्टिनेशन पे, यहाँ पे हमने टेंट पिच कर लिया है और इवन वो तो माखाणक। अरे बेटा खाक दे रही जो। अच्छा कैसा लग रहा है यहाँ आके भाई? मौसम चुके हैं छानियों के सामने। ये रहे भाई पीछे को तो यहाँ पर रहा भाई अपने कैम सेट और यहाँ पर हमने आग जला रखी है। साइड को देखो काफी ज्यादा बादल लगे हुए हैं। दोस्तों आज आ रखे हम कैंपिंग काफ़ी दूर अपने गांव से, 5 से 6 किलोमीटर हम दूर आ चुके हैं। यहां का मौसम ना पूरा ख़राब हो रखा है, तो क्या करते वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हेलो दोस्तों नमस्कार, क्या हालचाल? मेरा नाम है दिवाकर बिष्ट और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के एक छोटे से गाँव मरोड़ा से, जो कि थलीसैंड पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। और हम अपने गाँव से 5 से 6 किलोमीटर फर के जंगलों में आ चुके हैं। ये देखो भाई फर के पेड़। टाइम हो चुका है 7:30 और मानसून लगा हुआ है तो बादल पूरे लगे हुए हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया है। साइड को देखो काफ़ी ज़्यादा बादल लगे हुए हैं। जहाँ पे बादल लगे हुए हैं ना वो रहा भाई अपना गांव से काफ़ी दूर आ रखे हैं। ये देखो अभी के टाइम पे हमने थोड़ी बहुत थकान मिटाई और हम एक पत्थर पर बैठे हुए थे और अभी ना चारों तरफ अंधेरा हो गया। ये देखो देखो हाँ ये काफी ज्यादा अंधेरा हो गया है। भटकते भटकते पहुंच चुके भाई अपनी डेस्टिनेशन पे, यहाँ पे हमने टेंट पिच कर लिया है और थोड़ी देर पहले हम पानी के लिए गए थे, वहाँ पे हमें एक गिलहरी दिखाई दी कि जंगली गिलहरी थी। और पानी लेके हम आ चुके हैं बाहर पे, हमारे खाने बनाने की तैयारी हो चुकी है। यहाँ पे इतनी ज्यादा हवा हो रही है कि हमारा टेंट ना पूरा हिल रहा है। लेके चलते हैं आप लोगों को बाहर पे, बाहर पे बन रहा है अपना खाना। और इस साइड का बन रहा है अपना खाना, सब्जी बना रहे हैं। सब्जी सब्जी ये देखो क्या कलर है। आहा हा वाओ साथ हैं सुरेंद्र भाई, यहाँ पे खाना बना रहे और हम दो लोग आ रखे हैं भाई। दोस्तों अभी के टाइम पे बाहर का मौसम पूरा ख़राब हो चुका है और यहाँ पे अपना खाना बन रहा है भाई और बारिश आने लग गई है। पता नहीं क्या हाल होंगे हमारे, अब खाना आधा बना हुआ है और बारिश आने लग गई है। दोस्तों अभी अपना पुलाव बन के रेडी हो चुका है, देखो दोस्तों अभी अपना डिनर भी रेडी हो चुका है। यहाँ पे खीरा, आलू और मशरूम की सब्जी और यहाँ पे देखो भाई पुलाव। इसे डिनर करते हैं, मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद। मॉर्निंग फ्रॉम पहाड़ी की हसीन वादी। उसे दोस्तों कल आ गए थे हम कैंपिंग और मैं कल की वीडियो नहीं बना पाया और हम आ रखे हैं रासल पानी की ओर। यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, कल से लगातार बारिश हो रही है। अभी के टाइम पे ना लोगों का रासल पानी की हसीन वादियों से। दोस्तों निकलते यहाँ से आगे की ओर, दिखाते आप लोग। यहाँ पर हवाई अपने कैम सेट और यहाँ पर हमने आग जला रखी है और आग के ऊपर ना हमने पत्तियाँ लगा रखी है। पत्तियाँ इसलिए लगा रखी है कि हमने कल शाम को आग जलाई थी वो सुबह के लिए बुझ गई थी। अभी के टाइम पे आग जलाई और उसमें पत्तियाँ रख दी ताकि आग ना बुझे। तो चलो चलते हैं आगे, चलते हैं आगे पे कुछ हट है लकड़ियों के। तो यहाँ जहाँ पे कोहरा लगा हुआ है वहाँ पे कुछ हट है, यहाँ ऊपर पे यहाँ पे। तो चलो चलते हैं
मिलाते आप लोगों को मेरे साथी सुरेंद्र भाई से। ये रहे सुरेंद्र भाई जो कि ऊपर जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो रहे के। और बताओ कैसा लग रहा है यहाँ आके? ये देखो हमारा एरिया है जो आपको, ये रहा भाई अपना गांव। यहाँ नीचे जो खेत दिखाई दे रहे वो अपने गांव के खेत रहे। यहाँ पे खेत होते मार पे हम ये तो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर होगा तो मतलब चमोली या जो चौथान के होते हैं उनके प्यारे प्यारे कट्टे। क्या पता आजकल वो लोग वहाँ पे आ रखे हैं तो वहाँ जाएंगे और उनको दिखाएंगे हम आपको। तो अपने कैंप सेट से ऊपर आ चुके हैं काफी दूर और यहाँ पे सुरेंद्र भाई को आज फिर से सांप देखने को मिला। क्या हो रहा है आपके साथ ये सा? इतना बड़ा सांप है वो उस साइड पर है ना। तो देखिए जंगलों में कुछ इस प्रकार के सांप रहते हैं भाई। कितना मोटा है ये वाला पत्थर है जो इस पे ना छोटे छोटे सीढ़ी निकाल रखे हैं। आ जाओ सुरेंद्र भाई यार, बिल्कुल छोटे छोटे एक पाँव रखने के लिए। छानिया वाले आ रहे हैं जिनकी छानियाँ यहाँ ऊपर हैं वो अभी अपनी गौशाले की तरफ जा रहे हैं। सांप दिखने के बाद अभी आ चुके हम छानियों के साइड और यहाँ पर ना ये देखो छानियों वाले जंगल घूम के आ रहे हैं छानियों की ओर। और दिखाते हैं आप लोगों को यहाँ पर ना आजकल मौसम आजकल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हरियाली हो चुकी है। ये देखो एक बार सामने वाली पहाड़ियाँ हरी भरी हो रही है। तो आजकल के टाइम पे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्यारे फूल खिले हुए हैं। ये देखो एक बारी के सामने। ये रहे भाई पीछे को प्यारे प्यारे हट जो कि काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। गाय भैंस अभी गौशाला पे आ चुके हैं तो चलो चलते हैं और मिलाते आप लोगों को उन लोगों से जो कि यहाँ पे रहते हैं। कुछ बैल मारने के लिए आ रहे हैं, ये काला वाला बैल मारने के लिए आ रहा है तो ऊपर वाली साइड से चलते हैं। वाली हट पर हमने चाय पी। अभी अभी हम दूसरी साइड आ चुके हैं और मौसम पूरा गड़बड़ हो गया है। ये देखो इस साइड से बारिश आने लग गई है और कोहरा भी। अभी के टाइम पे यहाँ के जो लोग रहते हैं उन्होंने अपने गाय भैंसों को अंदर डाल लिया है। और ये गाय भैंस किसके हैं भाई? बताने में बता दे यार, मुझे नहीं पता सच। यहाँ रहते और गाय भैंसों का पता ही नहीं है। दाजी बहन वो तो माँ खाणक। अरे बेटा साग दे रही। अच्छा ये दुई गोर से है। अच्छा तुम कै गांव से? तुम मरोड़ा? मरोड़ा मरोड़ा का। अरे कह कि तुम के सजा नन तो नहीं? हां मैं छो तुई छे। 7:30 हो गया है टाइम और बारिश भी आने लग गई है तो यहां से निकलते हैं। चलो चलते हैं फटाफट से निकलते हैं यहां से। अंधेरा भी हो गया और बारिश भी आने लग गई है और अभी हमें 1 किलोमीटर दूर जाना है। आजा। तो यहाँ पे लोग ना रात के खाना बनाने पे लग गए हैं। दोस्तों अभी के टाइम पे पूरा भीग चुके हैं, वहाँ से आते आते पूरे भीग चुके हैं। ये देखो सर तो मैंने कपड़े से साफ कर लिया है और बाहर पे ना तगड़ी वाली बारिश आ रही है। यहाँ पे देखो पूरा पानी पानी आ गया। ये देखो जूते चप्पल सारे भीग चुके हैं और यहाँ पे ना जो हमने आग जलाई थी वो भी पूरी बुझ चुकी है। और भाई को देखो एक बारी ये कपड़े ना पूरे भीग चुके हैं। टाइम पे कपड़े बदल लिए हैं और बारिश भी बंद हो चुकी है। अभी टाइम क्या हो रहा है? 8 तो अभी टाइम 8 बज चुके हैं
और अब जाके बारिश रुक रही है। और यहाँ पे देखो अपने कपड़े सुखाने के लिए रखे हुए हैं। सुखाने तो क्या ही है, वे सही निकाल के रखे हुए हैं और अब डिनर बनाने की तैयारी करते हैं। पूरा गीला हो चुका है और बाहर कुछ तो नहीं, टाइम पे आग जला रहे हैं। इस वाली लकड़ी के नीचे आग बची हुई थी और आग पता कैसे जला रहे, एकदम फूक फूक के जला रहे हैं आग। ये देखो और लकड़ियां ना पूरी गीली हो रही है क्योंकि अभी तक बारिश आ रही थी। यहाँ पर बन रही है अपनी कॉफी, ये देखो एकदम उबल के रेडी हो चुकी है। दोस्तों कॉफी पी के अपनी डिनर बनाने की तैयारी हो चुकी है और यहाँ पे देखो अपने आलू भी रेडी हो चुके हैं। पे देखो अच्छी सी आग जल रही है। के टाइम पर ना थोड़ी सी बारिश सूखी हुई है। सब्जी कट के रेडी हो चुकी है, यहाँ पर हरी मिर्च काट रखी है और नीचे पर टमाटर, उसके सामने पे शिमला मिर्च, यहाँ पे मोटी मोटी सी प्याज काट रखी है और यहाँ पे काट रखे हैं भाई आलू। तो डिनर बनाने की तैयारी करते हैं, वो भी आग वाले चूल्हे पे। हल्की हल्की बारिश आ रही है तो डिनर बनाते हैं क्योंकि बाद में ज़्यादा बारिश आ सकती है। ये गई इसमें मिर्ची। मैं आग वाले चूल्हे पे खाना चढ़ा लिया है और फिर से बारिश आने लग गई है। बारिश आएगी तो आग तो बुझ ही जाएगी और अपना खाना फिर बन नहीं पाएगा। दोस्तों गुड मॉर्निंग फ्रॉम गरजते बरसते इन पहाड़ों से। लगातार बारिश हो ही रही है और मौसम ना पूरा खराब हो रखा है। गांव की साइड पूरे बादल लगे हुए हैं, एकदम अंधेरा अंधेरा हो रखा है। तो लगातार बारिश हो ही रही है और अभी सुबह के वक्त में 7 सुरेंद्र भाई खड़े उठ जाओ यार। दोस्तों कल शाम से लगातार बारिश हो रही है, देखो भाई मौसम पूरा खराब और उसके साथ ही साथ बारिश हो रही है। यहाँ पर देखो काफी ज्यादा कोहरा उड़ रहा है तो साथ में बारिश लेके आ रहा है। अब से लगातार बारिश आ रही है, सुबह उठे थे और फिर टेंट के अंदर चले गए थे, अभी टाइम हो गया है 3:30 और ये देखो मौसम के हाल कुछ इस प्रकार से है, आगे की पहाड़ी बिल्कुल ही नहीं दिखाई दे रही है। 3:30 बजे है और क्या पता आज की नाइट भी यही रुकना पड़ेगा क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो लगातार बारिश हो रही है यहाँ पे ना पेड़ काफी ज्यादा गिर रहे हैं। यहाँ ऊपर हम कल गए थे वहाँ भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है अभी के टाइम पे। इस चीज से पता लगा लो, मैंने यहाँ पे मिट्टी रखी हुई थी कल और यहाँ पे इतना ज्यादा पानी रुका हुआ है। अभी के टाइम पे हमारे टेंट की हालत देखो, टेंट को ऐसे रहना था ऐसे और हवा हो रही है तो टेंट बहुत ही ज्यादा हिल रहा है। यहाँ पे देखो दोस्तों सुबह से लगातार बारिश हो रही है, अभी शाम के 7 बज चुके हैं, खाने पीने का सामान भी नहीं है तो घर निकलना पड़ेगा। तो एक बार सुबह से ना पूरा मौसम ऐसा ही हो रखा है, पता नहीं यहाँ से घर भी कैसे जाएंगे। टुकड़ा टूटने का बहुत ही ज्यादा खतरा है, हवा भी बहुत तेज हो रही है। ये देखो पेड़ कैसे हिल रहे हैं। हमने टेंट की कीले निकाले, टेंट ना उड़ना शुरू हो चुका है। ये देखो पता नहीं कब जाएंगे घर, टेंट संभालते हैं फटाफट से। वहाँ से 8 बजे निकले थे और अभी टाइम हो गया है 10। अभी हम अपने गांव के जड़ सामने पर पहुँच चुके हैं जब हम नेट चलाते हैं और अभी के टाइम पर ना लगातार उस समय से बारिश हो ही रही है। दिन भर बारिश लगी रही, थोड़ी
थोड़ी भी बारिश रुकी रही और अभी के टाइम पे भी बारिश हो रही है और पूरे भीग चुके हैं। दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।